आप देख रहे हैं हानिया लाइफ स्टाइल। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लू ग्लिटर स्मोकी आई मेकअप लुक सिखाऊंगी जो ये मैंने किया हुआ है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने मनाई का कर लिया है, अब मैं आपको इस पर करना बताती हूँ। ये मैं ले रही हूँ, ठीक है, और कट ब्रश लगाती हूँ। ब्राउन में लिया करें, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ ब्राउन शेड होगा उतना ही आपका अच्छा लुक देगा। देखें ऐसे करें लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगेन प्रोडक्ट लें फिर लगा से ऐसे, ठीक है। यहाँ लाइट रखते हैं फ्रंट लाइट, इसलिए मैं बहुत लाइट से ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर, ठीक है। अब आपको ऐसे फिल कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा डार्क नहीं करनी है आपको फ्रंट से, वरना फेक लीजिएगा। अगर आप डिटेलिंग में चाहते हैं आईब्रो फिलिंग का तरीका तो वो मैंने आप लोग पहले ही सिखाया हुआ है। अगर आपसे मिस हो गया है तो मैं आई बटन पर लगा दूँगी, आप वहाँ क्लिक करके आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। कोई सा भी कंसीलर ले लें या आपके बेस ले लें, कुछ भी ले रही हैं इंडियन बीबी बेस ले लूँ, और इसको मैं ऐसे फ्लैट ब्रश से अपनी आईब्रोज को नीट कर लूँगी। देखें कैसे कर लूँगी यहाँ से, ठीक है। अब ऐसे ही कैसे करना ऐसे, कलाई पर बेस कर लें या पहले से आप बेस किया हुआ है तो कोई नीड नहीं है, और ना आप लगा लें बेस को। अब इसको ब्लेंड करने के लिए कोई भी ब्रश ले लें जिससे आप ब्लेंड करते हैं। मैं छोटे से ब्रश से करती हूँ तो मैं इसे ही कर रही हूँ। अब इसको सेट करने के लिए आप कोई भी पाउडर ले लें और इसको सेट कर लें जो आपने इसको बेस बनाई है। अगर पहले से की हुई है तो नीड नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं ले रही हूँ ग्लैमरस फेस की किट ले रही हूँ, और इसमें मैं यूज़ करूँगी मैट शेड्स यूज़ करूँगी। और सबसे पहले हम ट्रांजिशन शेड लगाते हैं और वो मैं लगा रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से, और ये मैं बिल्कुल लाइट पिंक कलर है, मैं इसको एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत लाइट शेड है, आप चाहें तो आप टेप लगा के भी आप ये मेकअप कर सकते हैं आई लुक, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। या आप लोगों के ऊपर आपको जो इजी लगता है वो होता है। ये देखें ट्रांजिशन शेड ने कितना लाइट किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं लूँगी मैं ये वाला पिंक शेड, थोड़ा सा डार्क पे है, बिल्कुल लाइट सा है, और ऐसे आपको लगा देना, ठीक है। फिर देखें अब इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं ये
कलर यूज करूंगी यही पिंक है। आप चाहें तो अभी पहले फ्लैट ब्रश लगा के देन आप लोग ब्लेंडिंग ब्रश से वो ब्लेंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप जितनी मैंने सब शेड्स लगाए हैं वो आप फ्लैट ब्रश से पहले लगाएं देन आप ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लें उसको। अब मैं नेवी ब्लू कलर लूंगी इसमें। ये दो शेड्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा के आप करें। मैं ये वाला ले रही हूँ। ये देखें फिंगर से लगाएंगे तो पिगमेंट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं फिंगर से लगाती हूँ। आप लोगों को पता है, आप लोगों को जो इजी लगे आप वो करें। लैशेस का आईब्रो चिपका हुआ है। आप लोग भी और जो वीडियोज बनाए थे मैंने मेकअप के आईब्रो के तो उसमें ये आईब्रो रह गया है। आप पहले सबसे पहले कॉर्नर बना लें। ये देखें आई का मेरे यहाँ आपको रख के एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब इसके हाफ से आप ऐसे कर लो। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भी ऐसे लगा लो। इसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई ब्रश उठाइए जिससे आपको ये कॉर्नर ब्लेंड करना है। हल्का सा पानी उस पर लगा लें और फिर उसके बाद ऐसा हल्का हल्का आप फैलाते जाए आगे को। अच्छे से आपको ये कॉर्नर को ब्लेंड कर लेना है। ऐसा मैंने बना लिया, ये अभी बिल्कुल ब्लेंड नहीं हुआ हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ से पिंक शेड खत्म हो गया था। मैं ये सब फ्लैट ब्रश उठा रही हूँ और उसमें मैं वही लास्ट वाला पिंक शेड उठा रही हूँ ये जो मैंने लिया था। और अब मैं अगेन इसके ऐसे लाइन बना के इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। शेड आप हल्के हल्के उठाएं, ज़्यादा नहीं लें। ब्लेंडिंग ब्रश उठाएं और फिर आप ये जो मैंने ब्लू और ब्लैक किए हैं उसका ब्लेंड करें ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। इसके लिए मैंने अलग ही रखा हुआ है ब्लैक के लिए, तो मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। जितनी ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका आई लुक होगा। ये देखें, इसके बाद मुझे लगाना है हाइलाइटर। और हाइलाइटर के लिए आपको ये पैलेट लेना है, आपको जो भी हाइलाइटर अच्छा लगता है आप वो लेना है। हाईलाइट करने के लिए मैं देखें कितना बारीक ब्रश ले रही हूँ, तो मैं ये वाला शेड लगा लूँ।
आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लगा लें, यहाँ हाफ से लगाना है आपको, ठीक है। ब्लेंडिंग अभी मैंने की नहीं है पिंक वाले की, अभी मैं करूँगी, पहले हाइलाइटर लगा लूँ। या आपके ऊपर आप लाइट हाइलाइटर चाहते हैं या ज़्यादा डार्क चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा लें। तो मैंने के बाद मैं उठाऊँगी ब्लेंडिंग ब्रश, अब मैं करूँगी ये शेड ब्लेंड। और ये काजल की, आपको जो भी काजल पसंद हो आप वो लगा लो अच्छे से। मैं यहाँ ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, बहुत से लोगों को इसमें भी वाइट पसंद होता है, तो आप स्मोकी में वाइट भी बहुत से लोग लगाते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। मुझे ब्लैक अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक लगा रही हूँ, क्योंकि स्मोकी मेकअप में ब्लैक ही अच्छा लगता है। सबकी अपनी भी चॉइस होती है, ठीक है। इसके बाद मैं लूँगी एक कट ब्रश ले रही हूँ, आप लोग कोई सा ले सकते हैं, आप फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन वही शेड पिंक उठाऊँगी, डार्क पार्टिशन वाला, और इसको लोअर लेंस आएंगे नीचे लगाऊंगी ऐसे। फुल लगा लेना है आपको, डार्क देना है आपको इसे, ठीक है। ये देखना है जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ ऐसे मुझे यहाँ इतना ही डार्क देना है, ठीक है। यहाँ से हाइलाइटर लगा है, इसके बाद से मैंने ये लगाया है दोनों आई। ठीक है, देखो देन अपर ये है हमारी लाइनर की, हम लाइनर लगाएंगे। इसको ही मैं डार्क करूँगी, विंडो निकाला था मैंने, बहुत एहतियात से आपको ये काम करना है। हम लाइनर लगा रहे हैं, लाइनर लगाना ईजी है, अब बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे आपको आगे लगाना। अब आ रही है ग्लिटर की, और ग्लिटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का ये पैलेट, जिसका मेरे पास पैलेट नंबर है 2, ठीक है। इसमें जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ मैं ये डार्क ब्लू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है वैसे तो ये ऐसे ही लग जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाह रहे हैं कि आप मतलब जो ठहरे रहे हैं ज़्यादा, तो आप सीलर इस्तेमाल कर सकते हैं। सीलर के लिए मैं ये प्लाजमोना का सीलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये कैसे यूज़ होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको वन ड्रॉप आप निकाल लें ऐसे हाथ से, ठीक है। देखें बिल्कुल वन ड्रॉप मैंने निकाले, ज़रा सा जो दिख भी नहीं रहा इतना ज़रा सा, ठीक है। आप इसको फ्लैट ब्रश से भी लगा सकते हैं, आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। फिंगर की मदद से लगा रही हैं, फर्स्टली आपको लाइनर लगाना है, देन आप ग्लिटर लगाएं। इसका हल्का सा ऐसे आप लगाना लाइट से, ठीक है। दोनों आई को लगा रहे हैं, देन आप ग्लिटर जो भी आपको लगाना है, ग्लिटर हमेशा फिंगर्स लगाया करें, ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मस्कारे की अब
लोगों को मैंने बताया हुआ है मस्कारा बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना, सिर्फ इतना लगाना है जितना शेड गिर जाए वो इससे रिमूव हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इतना मस्कारा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। क्योंकि हमें लैशेज लगानी है तो इतनी नीड नहीं है मस्कारा की, उसे इतना लगाएं कि आपकी जो वाइट लैश हो जाए वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और ये लोअर लैश पे भी मस्कारा लगा लें अच्छे से। अब लैश को अप्लाई करना है सेंटर से पकड़ें और उसमें सेंटर में ऐसे देन प्रेस करना शुरू करें आपको। सबसे बस सेंटर से लगाने हैं आप लोगों को, फिर कॉर्नर से लगाएं, देन आप फ्रंट से लगाएं। फ्रंट पे लगाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर लें, पिन वगैरह यूज़ कर लें या कुछ भी यूज़ करें। मैं यूज़ करती हूँ काशी, इसकी लैश ग्लू से निकला था तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। फिंगर से आप कर सकते हैं। यह है मेरा फाइनल ब्लू स्मोकी ग्लिटर आई मेकअप लुक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज मेरे आप हाथों की हालत देखें क्या हुई है, खैर कोई बात नहीं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई हो, पसंद आ गई हो तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा और सब्सक्राइब मेरा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।